Welcome to Simply Lakshmi's Life. Hey guys, welcome back to this channel. तो बताइए कैसे हैं आप सब. आशा करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड बहुत अच्छे हैं, हम भी बहुत अच्छे हैं. सो आज वेनसडे है. कल मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया था और कल मेरा मंगलवार भी था तो इसके लिए मैंने कोई शूट नहीं किया था. और आज वेनसडे है तो जस्ट अभी मैंने पूजा किया है. दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ चिकन की एक रेसिपी शेयर करूंगी. तो इसके लिए सबसे पहले मैं चिकन को मैरिनेशन कर लूंगी. यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 बड़ा चम्मच दही और साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट. उसके बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी. जब ये मिक्स हो जाएगा इसके साथ मैं ऐड करूँगी 2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल. उसके बाद इसको मैरिनेशन करके एक साइड में आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए रख दूँगी. और यहाँ पर मैंने सॉल्ट ऐड किया है. सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा. और अभी मैं ड्राई मसाला रेडी करूंगी. तो इसके लिए मैंने लिया है सारे गरम मसाले, साथ में बे लीव्स, रेड चिली और 1 चम्मच जीरा. मेरे पास साबुत धनिया नहीं था तो मैं इसलिए 1.5 चम्मच धनिया पाउडर यूज़ कर रही हूँ. अगर आपके पास साबुत धनिया है तो आप ऐड कीजिएगा. मैंने यहाँ पे गैस को बंद करके अभी मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है. उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी और रोस्ट हो जाने के बाद मैं इसको ठंडा करूँगी और साथ में पीस लूँगी. और पीसने के टाइम मैं यहाँ पे 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ, इससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा. और मुझे थोड़ा सा बेरेस्ता रेडी करना है तो इसके लिए मैं ऑनियन को एकदम से ब्राउन करके फ्राई कर लूँगी. यहाँ पे मैंने व्हाइट ऑयल यूज़ किया है और कुकिंग मैं मास्टर ऑयल से करूँगी. तो ऑयल में मैंने डाल दिया है सारे गरम मसाले, रेड चिली, बे लीव्स और उसके बाद मैं यहाँ पे बारीक कटी हुई लहसुन ऐड कर रही हूँ, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा. जब लहसुन अच्छी तरह से फ्राई हो जाए, थोड़ा सा ब्राउन हो जाए, तब मैं कटे हुए ऑनियन को ऐड कर रही हूँ. ऑनियन को मैंने यहाँ पे एकदम बारीकी से कट किया है ताकि ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाए. थोड़ा सा सॉल्ट भी मैं ऐड कर दूंगी, इससे ऑनियन थोड़ा जल्दी सॉफ्ट हो जाता है. तो यहाँ पे मैं अभी ढक के थोड़ी देर के लिए ऑनियन को पकाऊंगी. तो ऑनियन देखिए एकदम से ब्राउन हो गया है तो मैं यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ. और उसके थोड़ी देर में मैं ऐड कर दूंगी 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च. ये अगर ऑयल में फ्राई हो जाता है ना तो इसका कलर बहुत अच्छा आता है. और उसके बाद मैं ऐड करूंगी टमाटर प्यूरी. टमाटर मैंने यहाँ पे 2 बड़े साइज़ का टमाटर लिया है और उसके बाद मैं इसको मिक्स कर दूंगी. तब तक पकाती रहूँगी जब तक टमाटर से ऑयल निकल के ना आए. जब ऑयल निकल आएगा तब टमाटर पूरी तरह से पक जाएगा. मैं इसको ढक के लो फ्लेम में पकाती रहूँगी. तो यहाँ पे आप देख सकते हो टमाटर पक चुका है. अभी मैंने ऐड कर दिया है बेरेस्ता फ्राई किया हुआ ऑनियन. उसके बाद मैं ऐड करूँगी जो मेरा ड्राई मसाला था उसको. ये एक अलग ही फ्लेवर देता है इस रेसिपी में. और ये मैं इस टाइम पे ऐड कर रही हूँ ताकि ये ऑयल में भी थोड़ा सा पक जाए. और थोड़ा ढक के मैं इसको पकाऊंगी. उसके बाद मैंने चिकन को यहाँ पे ऐड कर दिया है और उसके बाद लो फ्लेम में मैं इसको पकाती रहूँगी ताकि मसाला जो है ये चिकन के अंदर अच्छी तरह से जाए. तो ढक के मैं इसको थोड़ी देर में पकाऊँगी और इसको चलाती रहूँगी. तो देखिए यहाँ पे मसाले एकदम से पक चुका है, पूरा ऑयल जो है निकल आया है. तो अभी टाइम है इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करने का. तो मैं थोड़ा सा ग्रेवी ज़्यादा रखने वाली हूँ, इसके लिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा पानी ऐड किया है. और ये रेसिपी ना गरम राइस के साथ या जीरा राइस पुलाव के साथ आप ट्राई करो, बहुत अच्छा लगता है. एकदम मटन करी के जैसा इसका टेस्ट होता है. और कृति का क्लास ख़त्म होते ही ना देखो सारा कुछ लैपटॉप वैपटॉप रख के वो चली गई, चेंज करके चली गई है टीवी देखने के लिए. क्योंकि कल नहीं, सोमवार को उसको टीवी देखने का मौका नहीं मिला था. वो देखो देख रही है टीवी, क्योंकि ये टाइम उसको एक्चुअली मिल जाता है. क्योंकि मेरा कुकिंग का टाइम जो है थोड़ा सा 12:30 तक उसका ख़त्म होता है. उसके बाद मेरा कुकिंग करते करते 1 o'clock हो जाता है. तो वही इसीलिए ना उसका रहता है कि मम्मी का कुकिंग ख़त्म होने से पहले ना मुझे टीवी देख लेना है. कुकिंग हो जाता है तो मैं उसको बोलती हूँ चलो खाना खा लेते हैं. चिकन ऑलमोस्ट बन गया है. ये
इसमें ना काजू का पेस्ट जाता, बट मैंने नहीं डाला है क्योंकि ड्राई फ्रूट्स डालने से ना अतनु के लिए थोड़ा सा हो जाता है, क्योंकि अतनु का लेग पेन कुछ दिन पहले ही थोड़ा बढ़ गया था, इवन कल भी बहुत ज़्यादा था, तो इसके लिए काजू मैंने नहीं डाला है, बट गरम मसाला तो डालना ही है, तो वो सब डाल दिया है। एक्चुअली यूरिक एसिड में ना कुछ भी खाओ, मतलब बहुत सारे लिस्ट है जो आपको रेस्ट्रिक्शन है यूरिक एसिड में, बहुत सारे, बहुत बड़ा लिस्ट है, तो इसके लिए कभी कभी ना अथरू बोलता है मैं क्या खाऊँ, ये नहीं खाऊँ, वो नहीं खाऊँ, ये वो, तो इसके लिए बोलता है मैं क्या खाऊँ। कृति ना गोपाल भाड़ देख के संस्कृत सीख गई, कैसे बोल रहे थे? किंग ठंडा जलम, ठंडा जलम, चानंग करितिंग हयुंग, ऐसे बोल रहे थे गोपाल भाड़ में एक कैरेक्टर, तो वही कृति सीख गई। चलो अभी खाना खाने चले, यहाँ खाते। हाँ 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 हाँ, वेरी गुड जोक। और ये हमने सारे कपड़े, और ये हमने सारे कपड़े फोल्ड कर लिए हैं, और ये कृति ने किया है कपड़े फोल्ड। चलो अभी हम लोग रख देंगे। जस्ट अभी अभी हम लोगों ने चाय पिया है, और मैं जस्ट चाय लेके यहाँ पे आई थी और सडनली बारिश स्टार्ट हो गई। बहुत अच्छा हम लोगों ने चाय को एंजॉय किया, और अतरू चला गया अपने काम पे, सो मैं यहाँ पे ही बैठी हूँ, और बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा स्टार्ट हो गई, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, बट गर्मी था थोड़ा सा। ओके, तो चलिए जस्ट अभी अभी मैंने दिया किया है, और बाहर बहुत अच्छा खासा हवा चल रहा था, अतनु उधर ही था, जस्ट अभी अभी आके अतनु यहाँ पे बैठे हुए हैं। अच्छा, थोड़ा सा 10 मिनट के लिए भी नहीं, 5 मिनट के लिए बारिश हुआ। अच्छा हाँ, लेकिन वेदर चेंज हो गया सर। हाँ, पर हम अब हवा दे रहे हैं। यहाँ पे कृति जो खेल रही है, क्या कर रहे हो? कैंप फायरिंग कर रही है, और आग भी जला रही है दो पत्थर से। ओके, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, है ना? हाँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो क्या करना है बोल दो। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। हाँ, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बी सेफ। They keep on telling lies, that is how we stay alive.